दोस्तों स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं पीटर सिलिस्कोविक के रिप्लेसमेंट की। सो गाइस स्वागत कीजिए स्टीव एम्बरी का, वो होने वाले हैं पीटर सिलिस्कोविक का रिप्लेसमेंट। सो गाइस स्टीव एम्बरी की बात कर लेते हैं, इनकी एज की बात करें तो 26 इनकी एज है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं एंड गुनिया से भी बिलोंग करते हैं क्योंकि ये फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं फ्रांस अंडर 20 टीम का एंड गुनिया के भी फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। सो गाइस इनके ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है इतनी सी एज में, क्योंकि 26 इनकी एज है और स्पीडी प्लेयर हैं भाई, एक लाइट टू लाइट रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं पीटर सिलिस्कोविक का। एंड गाइस एक और बात मैं कहूं कि मैंने बोला था कि ईस्ट बंगाल के मैच से पहले एक प्लेयर साइन हो सकता है, जमशेदपुर एफसी कर सकती है, नहीं तो एक दो मैच के बाद करेगी। और आज मैंने ग्रुप में भी बोली थी ये चीज़ कि पीटर सिलिस्कोविक का रिप्लेसमेंट केरला के मैच से पहले ही हो जाएगा और नहीं तो आज नहीं तो कल में हो जाएगा। और भाई ये लो भाई स्टीव एम्बरी, और क्या चाहिए भाई, इससे खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता भाई। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर फॉर जमशेदपुर एफसी, मैं कह सकता हूँ ये रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये बंदा तोड़ेगा, देख लेना। अगर ये केरला के मैच में अवेलेबल होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। और गाइस ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार गाइस। और न्यूज़ कैसी लगी आपको जरूर मुझे बताएं, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट हो तो। एंड आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो टाटा बाय बाय, थैंक यू। सो जोहार जमशेदपुर, जम के खेलो जमशेदपुर।